दोस्तों, तो आज वीडियो में सिखाएंगे हाउ टू कैलकुलेट वाटर सीमेंट रेशियो फॉर कंक्रीट। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है कंक्रीट के लिए, क्या निकालते हैं। अगर आपके पास पीसीसी है, अगर सपोज कीजिए पीसीसी कर रहे हैं, जब पीसीसी कहाँ पर करते हैं, फाउंडेशन पर करते हैं या फिर फ्लोरिंग पर करते हैं, जहाँ जहाँ पे इस पर रिक्वायर्ड होती है पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होता है आरसीसी, रेइनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो जैसे कि जहाँ पे स्टील यूज होता है, वहाँ पे स्टील रेइनफोर्समेंट होता है, जैसे कॉलम है, बीम है, स्लैब है, फुटिंग है। तो वहाँ पे जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, क्या यूज करते हैं, कितना वाटर हम लेते हैं, कौन सी कंक्रीट के अंदर, जैसे कि M10, M5, M15, M20, M25 एंड अबाउ 25, कि हमें जो एज पर स्टैंडर्ड जो कोड होता है IS 456-2000, इसके बेस में मैं बताऊंगा आपको भैया, ठीक है। तो कितना पानी हमें लेना चाहिए कि ताकि प्रॉपर वर्कएबिलिटी हो एंड स्ट्रेंथ भी हो, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट देख देखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले देख लेते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या है। वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या है, इसमें रेशियो से ही पता चल रहा है कि रेशियो क्या होता है। द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इन द कॉन्क्रीट मिक्स, कि यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि जो रेशियो हो रहा है, तो कॉन्क्रीट के अंदर हमें वाटर एंड सीमेंट क्या लेना है, तो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो क्या कहलाता है हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट के अंदर। कंक्रीट के अंदर ही हमें वाटर सीमेंट रेशियो लेना है। तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या कह रहा है यहाँ पे, वेट ऑफ वाटर, ठीक है। वेट ऑफ रेशियो का मतलब हमारे पास हो जाता है ये वाला, ठीक है। जैसे कि वेट ऑफ वाटर ये रेशियो होता है, ठीक है। तो रेशियो मतलब है हमारे पास ये जब ऊपर था, ये वाला नीचे चले जाता है। जैसे कि रेशियो होता है 1:2, तो 1:2 का मतलब क्या है, 1/2, ठीक है। 1/2 रेशियो में होता है, जैसे कि मैंने स्लोप के अंदर बताया कि हमारे पास 1/2 क्या है, इसमें एक हमारे पास हाइट हो जाती है, दो हमारे पास ये लेंथ हो जाती है, ठीक है। राइस अपॉन रन, ठीक है। ये क्या होता है, स्लोप। तो मैं काफ़ी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो प्ले लिस्ट में दे दूंगा। तो वाटर सीमेंट रेशियो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सीमेंट, आगे देख लेते हैं अब, ठीक है। तो एज पर IS 456-2000 पेज नंबर 20 एंड क्लोज नंबर 8.25 या फिर टेबल 5, तो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कोड है 456, तो 2000 IS 456 मिक्स, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट्स हमारे पास जो है, तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट जो मात्रा है हमारे कितनी लेना चाहिए, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर एंड नॉर्मल वेट एग्रीगेट ऑफ 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। जो कंक्रीट के अंदर जो स्टैंडर्ड जो साइज लेते हैं, जैसे कि आप कंक्रीट मिक्स डिपेंड करता है थिकनेस पर, जैसे कि आप सी और वॉल ले रहे हैं, उसकी थिकनेस आप वहाँ पर 1 से 15 mm, तो उसमें कंक्रीट का जो स्टोन का एग्रीगेट लेंगे वो 10 mm लेंगे एंड 20 mm वो मिक्स कर देते हैं। और फुटिंग कॉलम स्लैब तो इसमें यूज कर रहे हैं, तो 10 एंड ओनली 20 mm यूज़ करते हैं। अगर आप जैसे कि प्लांट से आता है, RMC प्लांट से आती है, तो कंक्रीट आपके पास साइड पर आती है, तो उसमें जो मिक्स होता है 10 mm 20 mm होता है, इस वजह से तो ताकि जो पंप होता है आसानी से उसमें फ्लो कर सके, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं, तो जैसे हमारे पास है मिल्ड, मॉडरेट, सेरो, वेट सेरो एंड एक्सट्रीम। तो जो ये हमारे लो एंड हाई कंक्रीट जो होती है हमारे पास, जहाँ पर यूज़ होती है, जैसे फुटिंग में होता है, कॉलम में होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर वर्क में होता है, तो ये हमारे पास एक्सट्रीम होती है। मिल्ड हमारे पास जो लो स्ट्रक्चर होता है, फाउंड जैसे PCC हो गया, फाउंड PCC हो गया, जैसे फ्लोरिंग में PCC करते हैं उस कंक्रीट के लिए। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट हमारे पास, मिनिमम सीमेंट कंटेंट तो केजी पर मीटर क्यूब, 1 m³ के अंदर 220 kg हमें लेना होता है, ठीक है। तो 1 m मिनिमम सीमेंट कंटेंट क्या ले रहे हैं, केजी पर मीटर क्यूब। 1 m³ हमारे पास कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो उसमें सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, तो सीमेंट हमारे पास जो मिनिमम जो कितनी मात्रा होनी चाहिए, मिनिमम 220 kg होना चाहिए 1 m³ के अंदर। तो 240 हमारे पास मॉडरेट के अंदर कंक्रीट होती है हमारे पास M15। M15 के जो रेशियो रहा है 0.60 वाटर सीमेंट रेशियो हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बता रहे हैं इसके अंदर, इससे ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ नहीं होना चाहिए। तो फ्री वाटर सीमेंट रेशियो 0.6, तो कितना हुआ, 220 kg। उसके बाद देख लेते हैं, ये हमारे पास आता है PCC के लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और यह रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट।
तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब जो मिनिमम कंटेंट होना चाहिए M20, तो RCCC में हम जो यूज करते हैं कंक्रीट, M20 से नीचे नहीं यूज करना है। तो मिनिमम कितना हुआ 300, तो M25 के लिए 300 केजी पर मीटर क्यूब सीमेंट यूज होगा। इसको हम डिवाइड करते हैं 50 से, तो कितना हुआ 6 बैग। तो मिनिमम 6 बैग रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम इससे कम हम सीमेंट बैग यूज नहीं करते हैं। तो M30, M35, M40, तो ये आपका होगा या होता है मिक्स डिज़ाइन, ठीक है, या हमारे पास होता है मिक्स डिज़ाइन। तो इसमें वाटर सीमेंट रेशियो होता है 0.45, 0.45 एंड 0.40, ठीक है। तो ये हमारे पास डिज़ाइन हो गए, तो आगे देख लेते हैं। इसी बेस पे मैं बता रहा हूँ, यह क्लियर हो गया। अगर आप 20 ले रहे हैं तो उसमें ले गए हम 0.55 वाटर सीमेंट रेशियो, अगर 25 ले रहे हैं तो उसमें लेंगे 0.50, ठीक है। तो मिनिमम सीमेंट कॉन्टेंट हमारे पास दे दिया केजी पर मीटर क्यूब, क्लियर। अब आपको दिखा देता हूँ मैं एग्जांपल के साथ में। तो यहाँ पे PCC मैंने वही लिख दिया, 15 में 0.6 ले रहे हैं, M20 में 0.50 ले रहे हैं, 15 में 0.6 ले रहे हैं, ठीक है। और RCC के अंदर ले रहे हैं 1.5 डेढ़ 3, M20 के अंदर 0.55 एज पर आइस कोड। मैंने यहाँ पर पेज नंबर लिख दिया, क्लोज नंबर लिख दिया है। और नॉर्मली वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से 0.6 तक हमें यूज़ करना है। उसके बाद देख लेते हैं PCC एग्जाम्पल देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैं PCC का एग्जाम्पल लिखाता हूँ, M15 में हम ले रहे हैं 0.60 वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर कितना लेंगे, तो रेशियो हमारे पास M15 का रेशियो जो होता है 1:2:4, ठीक है। तो वेट ऑफ सीमेंट क्या होता है, वेट ऑफ सीमेंट कितना है, इसमें कितना सीमेंट लग रहा है। मिनिमम रिक्वायर्ड बाई IS456, IS456 के अकॉर्डिंग कितना सीमेंट यूज हो रहा है, 240 kg। और बाय कैलकुलेशन, अगर हम कैलकुलेशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड निकालते हैं, जैसे कि 1:2:4 है, 1+2, 1+4 डिवाइड बाई रेशियो, ठीक है। तो 4 × 2 = 6, 1 = 7 बराबर 7/4 इंटू कितना सीमेंट ले रहे हैं, जैसे कि टोटल सीमेंट ले रहे हैं 1 कंक्रीट के लिए, 1 m³ के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं इंटू वन पॉइंट फाइव फोर, तो सीमेंट का आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वॉल्यूम होती है 1.54। ये क्या है, ड्राई वॉल्यूम, ये हमारे पास मेटल की ड्राई वॉल्यूम होती है। तो इसके अंदर ही हमारे पास सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट मिक्स होता है। तो बाय कैलकुलेशन 316 kg हमने निकाला था, मैं टेबल आपको पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो नंबर्स ऑफ सीमेंट बैग 240, अगर हम सीमेंट बैग्स की बात करते हैं तो 240/50 बराबर 4.8 नंबर्स, और बाय कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं हम 316/50 बराबर 6.50 नंबर्स। ये आपका इस एक स्टैंडर्ड होता है जो इतने सीमेंट बैग्स मिनिमम लगते हैं पीस 1:2:4 के रेशियो के अंदर। वाटर सीमेंट रेशियो का फार्मूला क्या है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सीमेंट। तो सिंपल हमारे पुट कर देना है, वेट वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.60, PCC के लिए, M15 के लिए 0.60, वेट ऑफ वाटर हमें निकालना है। वेट ऑफ सीमेंट हमारे पास है 240 kg, 240 यहाँ पे गिवन है और 240 रख देना है। तो सिंपल, तो जब हम इसको बराबर, अगर ये वन का मान करते हैं तो कुछ नहीं होता है, तो मल्टी क्रॉस गुना हो जाती है। तो वेट ऑफ वाटर ऐसे रख एज इट इज रख देते हैं, तो इसको हम इसको से गुना कर लेते हैं 0.60 बराबर 140 kg, 140 लीटर। एक बात याद रखना है कि ये लीटर एंड केजी में डिफरेंट है, यहाँ पे वेट है, तो वेट किसकी यूनिट होती है, केजी की, ठीक है। तो वेट यहाँ पे क्या आएगा 144 kg, यहाँ पे हमारे पास जो वाटर आ रहा है 144 kg आ रहा है, कि यूनिट से हमें क्या मिल रहा है, वेट। तो वेट ऑफ सीमेंट एंड वेट ऑफ वाटर, तो वेट क्या आएगा केजी के अंदर, तो केजी को हम लिख लेते हैं लीटर, तो केजी में तो आता नहीं है, तो 100 लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 144 लीटर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पे 0.6, ये भी या फिर हम इस तरह से निकाल सकते हैं, पर बैग के लिए, पर बैग के लिए कितना पानी यूज हो रहा है। स्टैंडर्ड होता है एक्सपर्ट कोड कि एक बैग में कितना पानी यूज करते हैं। अगर हमारे पास सपोज कीजिए 20 हमें निकालना है कंक्रीट का, जैसे कि वॉल्यूम आ गई आपके पास कोई स्लैब की, इसकी स्लैब की बाई 10 मीटर बाई 5 सेंटीमीटर, सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर हो गई, मतलब 4 इंच हो गया, तो इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम से निकालने के बाद जितना भी आपके पास सीमेंट
1.54 से कितना इसमें सीमेंट बैग लगते हैं वो मैं दिखा चुका हूँ वीडियो में, वो आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा इसमें कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग लगते हैं, तो उसे वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो कितने सीमेंट और बैग को गुना कर देंगे टोटल वाटर, जैसे कि आपको साइड पे वाटर टैंक मंगवाना है या फिर आपको इतना पानी चाहिए वहाँ पे, तो उससे निकाल सकते हैं कंक्रीट के लिए। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड वेट ऑफ सीमेंट, तो 50 × 0.60 वेट ऑफ वाटर हमारे पास कितना हुआ, इतना वेट ऑफ वाटर पर बैग के लिए, ये कितना यूज हो रहा है पर बैग, एक बैग का वेट कितना होता है 50 kg, तो वन बैग के लिए अगर यहाँ पे 0.60, देखो यहाँ पे 0.60 भी है मैंने, अगर आप ये ले लेते हैं वो 25 के लिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं 0.50, तो 0.50, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं आप 0.50 किसके लिए हो जाता है ये, अगर यहाँ पे ये तो अभी क्या ले रहे हैं M15 के लिए, अगर RCC का अंदर ले रहे हैं M20 के लिए, M20 के लिए कितना ले रहे हैं 0.55, तो यहाँ पे 0.55 लिख देते आप, तो सिंपल इतना KG आ जाता है वेट ऑफ वाटर। तो उससे गुना कर देते हैं कितना सीमेंट लग रहा है, कितने बैग लग रहे हैं 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के अंदर, तो उससे गुना कर देंगे, तो 4.8 सीमेंट बैग्स, तो यहाँ पे कितने सीमेंट और बैग्स यूज हो रहे हैं, इससे हम भाग किया था 4.8, ये सीमेंट कॉन्टेंट है। अगर 6.50 से गुना करेंगे तो वो स्टैंडर्ड निकल जाएगा उस तो मैक्सिमम थर्म रूल के अकॉर्डिंग। तो 4.8 सीमेंट बैग्स वाटर रिक्वायर्ड कितना हुआ, 30 हमने यहाँ पे KG निकाला इंटू 4.8 सीमेंट नंबर ऑफ बैग, तो टोटल जितने भी सीमेंट बैग है उसके लिए 144 kg या फिर 44 लीटर, ठीक है। तो बस मैं ये क्लियर करना चाहता था कि, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते रहेंगे इसी तरह टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।